नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं, कैसी चल रही पढ़ाई? 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है बताइए हमें। मजा आ रहा है ना? बहुत सारे बच्चों ने कहा पिछली क्लास, देखो ये जो नया हमने शुरुआत किया है उसको हमने आपको बोला था जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है क्लास। यानी किसी भी बच्चे को, अगर वो बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा होगा इस साल, जो कि मैं एग्जाम के आने तक, यानी कि असल दिवाली के आसपास तक हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं, और वहां तक आने तक आप पूरा ट्वेल्थ की जबरदस्त तैयारी कर चुके होंगे। बस ध्यान रखना, जब भी मेरी क्लास चालू होती है शुरू से अंत तक क्लास मेरा देखा करें। अगर आप थोड़ा किसी कारण से लेट हो जाते हो या उस दिन की क्लास नहीं देख पाते हो तो बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि हम जब YouTube में लाइव ले रहे होते हैं तो लाइव में तो होती है, बाद में क्लास रूम वहां पर रहता है, जब चाहे देख सकते हैं। टीवी में नहीं होता ना ऐसा कि आज क्लास देखे या कोई भी पिक्चर देखे, टीवी में चलता है तब तक रहे और आगे पीछे करें तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप कर सकते हैं, तो एक फायदा तो होता है बेटा आप लोगों को। चलिए, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जो क्लास आप कर रहे हैं मेरे साथ बहुत ही मजेदार है। केमिस्ट्री वैसे भी बहुत मजेदार है, बड़े आसानी से हम पढ़ सकते हैं। यह मैं आपको आज रिमाइंड करा देना चाहता हूं एक बात, कि आप जीरो लेवल की क्लास, जो क्लास ट्वेल्थ की है जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास, उसका यह लेक्चर नंबर 3 है आपका, और विलियन का यह पार्ट 2 है जो आज हम देखेंगे। पार्ट 1 में क्या किए वो तो आप सबको पता है, लेकिन आपने, आप में से कई बच्चों ने ना देखा हो तो मैं कहूंगा ये जो क्लास ट्वेल्थ जो स्टार्ट हुआ है उसका ये लेक्चर नंबर 3 जो है, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 क्लास है। यानी कि 1 और 2 को पहले जरूर देख लीजिएगा, कैसे पढ़ना है वो देख लीजिएगा। और बेटा हाँ, जो बच्चा रेगुलर आ रहे हैं ना उनको बोलूंगा अपने दोस्तों को बता देना, और देखना आप भी, अब जो पढ़ रहे हो तो आपका एहसास हो रहा है ना कि आप बहुत अच्छे सीख पा रहे हो। बिल्कुल आप सीखोगे, 100% सीखोगे, अच्छे से सीखोगे। चलिए हम अब बात करते हैं विलियन का, ये पार्ट 2 है। हम यहां पर आपको क्या बताने वाले हैं इस साल की क्लास में, कि लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25 ऐसा चलता रहेगा, और इसके साथ साथ उस किस चैप्टर से रिलेट है और उस चैप्टर का कौन सा पार्ट है वो भी हम आपको इस तरह से देंगे। यानी इस साल हमारा टोटल लेक्चर्स कितने आएंगे वो भी रहेगा आपको पता, और आपको हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स होंगे वो भी बात करेंगे। बेटा शुरुआत के जो चैप्टर्स होंगे थोड़े ज्यादा लेक्चर हो सकते हैं, ताकि आपकी जो बेसिक है यानी 11th है अगर कवर अप नहीं हुआ है तो वो हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, अब बात करूंगा कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था विलियन का। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था विलियन तक पहुंचने के लिए कुछ जीरो लेवल बातें, जो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूं तो आपको याद रहे। आपको बताया था तत्व क्या है, आपको बताया था कि ये चैप्टर में सिर्फ 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, किन किन तत्वों का याद करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ में आपको बताया था अणुभार, आणविक द्रव्यमान, ये क्या कैसे निकाला जाता है ये भी बताया था मैंने, और कुछ यौगिकों का अणुभार, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना भी बताया था, याद आ गया। और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जिसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, टालवीन है, सुक्रोज है, ये आपको ये भी लिस्ट दिया था। तो आप सब कॉपी बना रहे हैं ना, मैंने कहा था कि 400 पेज की कॉपी हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए, है ना आपके हाथों में 400 पेज की कॉपी। रतन एक बार यार बच्चों से पूछो यार, एक बार पोल करो कि 400 पेज की कॉपी नया वाला खरीदे हो कि नहीं, वो रजिस्टर वाली यानी कि उसकी जिल्द, हार्ड जिल्द वाली, एक बार पूछो। ठीक है चलो देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो चैप्टर 1 की शुरुआत हुई थी कि विलियन किसे कहेंगे, विलियन चैप्टर 1 में विलियन है, विलियन किसे कहते हैं, तो विलियन कहते हैं, बताओ बेटा क्या है। बहुत सारे बच्चों ने परिभाषा भी किया था, उनको याद भी हो गया है विलियन क्या है। विलियन मिश्रण है, लेकिन सभी मिश्रण को विलियन नहीं कहते हैं। विलियन कहा जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, सबको याद हो गया। विलियन में 2 घटक होते हैं, यानी विलियन जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उनको घटक कहते हैं, जैसे पानी और शक्कर को आपस मिला करके जो विलियन बनाएंगे उस विलियन में पानी,
विलायक और शक्कर विलय होता है। और आपको यह भी बताया था कि विलायक किसे कहेंगे, विलयन किसे कहेंगे। विलायक कहा जाएगा वे पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन के वे पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, और जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है। और विलायक को हमने ए से दर्शाया था और विलय को बी से दर्शाया था। सबकी कॉपी में है कि नहीं बताइए भाई आप लोगों को, है ना? ठीक, तो ये रिवीजन हो गया। अब चलते हैं नए पार्ट में, नई बातों को, सारी चीजों को हमने लिख दिया, ठीक है, कुछ एग्जांपल भी दे दिया था। बेटा आज की क्लास जो शुरू हो रहा है इसमें देखेंगे मोल, मोलरता, मोल प्रभाज। 11th में बता दो कि कितने बच्चों ने मोल को बड़े डर से निकाले हैं। मैं 12th में कहूंगा डर खत्म करो यार, काहे टेंशन लेते हो, मोल क्या है, एक शब्द है बस, मोल क्या है इसके बारे में छोटी सी बात करेंगे। अब इसमें जाने से पहले एक और बात मैं कर दूं, थोड़ा सा एक कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, संकेत है, महत्वपूर्ण संकेतों, इस विलयन को जब पढ़ोगे ना तो संकेतों का उपयोग करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण, इसको नोट करना, ना नोट करना है, नोट, महत्वपूर्ण संकेत, महत्वपूर्ण संकेत। क्या संकेत है भाई? देखो बेटा ए बी ये क्या होते हैं? ए संकेत है विलायक का, सबको पता है। बी विलेय का संकेत है। इसी तरह से डब्ल्यू, W है द्रव्यमान का संकेत है बेटा, मास, द्रव्यमान, वेट, इसका वजन का संकेत है ना, वजन, वेट, वेट। कैपिटल M अणुभार का संकेत है। स्मॉल N का उपयोग करेंगे मोल के लिए, मोल का संकेत है, ठीक है। X मोल प्रभाज का संकेत है, ये याद रखिएगा। कुछ संकेतों को आप नोट कर लीजिए ताकि आगे की पढ़ाई आसान हो सके। ऐसे ही कुछ एक संकेत और बता देता हूं, वी आयतन के लिए है, आयतन के लिए संकेत है। तो ऐसे कुछ संकेतों का हम उपयोग करेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि दूसरी चीज उपयोग कर सकूं, आयतन, कहीं भी लिख लो, एक ही मर्जी है, यहां पर जगह बचा था तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि संकेतों का हम संयुक्त रूप में उपयोग करेंगे, जैसे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू, ऐसे ही एम ए, एम बी, एम बी, एन ए, एन बी, इस तरह से वी ए, वी बी भी इस तरह उपयोग करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बात करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, चलो सोचो और बताओ। तो बेटा बिल्कुल आसान सी बात है, मैं ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, इन सारी चीजों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे बार 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 पूछते हैं सर ये संकेत नहीं समझ में आते हैं, कैसे लगा दिए। ये मैं ऑफलाइन में पढ़ाते समय मुझे ये आइडिया हो जाता है बच्चों के साथ कि बच्चे किस तरह का बिहेव करते हैं, तो वो चीज आपका डर हट जाए। तो ए और बी आप जान चुके हैं, विलयन में दो घटक, विलायक और विलय। वैसे बहुत बहुघटकी विलयन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम सिर्फ विलय और विलायक साथ द्विघटकी विलयन के बारे में बात करते हैं। द्विघटकी बहुघटकी का मतलब क्या हुआ? ऐसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ होते हैं, यानी दो पदार्थों से बना विलयन द्विघटकी विलयन कहलाता है, तीन पदार्थों से बना विलयन त्रिघटकी विलयन कहलाता है, जैसे पानी, शक्कर, पानी, अल्कोहल, शक्कर, त्रिघटकी विलयन। पानी में अल्कोहल भी मिला हुआ है, शक्कर भी मिला हुआ है, त्रिघटकी विलयन है। ऐसे तो द्विघटकी विलयनों से संबंधित हम बात कर रहे हैं। ए विलायक के लिए संकेत है, बी विलेय के लिए संकेत है। वी आयतन है, डब्ल्यू द्रव्यमान है, एम अणुभार है, स्मॉल एन, एन एन एम नहीं, एन मोल है, और एक्स मोलरता है।
अब मैंने ऐसा लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ए का W, शब्द बड़ा आसान है, बी का W, ए का M, बी का M, मतलब इसको पूरा तरह से अगर समझे तो क्या होगा, ए मतलब विलायक, विलायक का W यानी द्रव्यमान। अब समझ में आया बेटा, सबको लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपको लगे कि मैं आपसे थोड़ा स्पीड जा रहा हूं तो करेंगे क्या आप? अगर ऐसा लगे तो आप सिर्फ एक काम करिएगा, एक काम करिएगा, वो है आप थोड़ी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर मैं आपसे थोड़ा स्पीड जाऊं तो। ठीक, दूसरा ये क्या है बेटा, बी का W मतलब बी का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, सीधा समझो, इसको क्या कहूंगा, कैपिटल M है, M को किससे दर्शा रहे हो, M क्या चीज है, अणुभार, तो ये क्या हुआ, ए विलायक का अणुभार। कितने बच्चे इसको लिख सकते हैं पूरा, बोलो जल्दी से, लिख पाएंगे, विलायक का अणुभार। इसी तरह से ये विले बी का, बी एन विले, विले का अणुभार। अब आपके लिए आसान हो गया, पूरा लिखना है बेटा जैसे मैंने यहां समझाया वैसे ही। तो कौन सा n क्या है, मोल है, a है विलायक, तो विलायक का मोल या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, इस तरह से शब्दों का उपयोग करिएगा, n स्मॉल n, तो ये विलायक, विलायक का मोल, मोल शब्द को मोलों की संख्या से भी बोला जाएगा, तो क्या हो सकता है, विलायक के मोलों की संख्या, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोल जो है एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, तो संख्या की इकाई है वो, मोल एक्चुअली संख्या की इकाई है, इसलिए मोलों की संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये विलेय की मोलों की संख्या, ये विलायक का आयतन, मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि आपको किसी तरह से तकलीफ ना हो, और ये है विलेय का आयतन। विलेय का मोल, विलेय का आयतन, विलेय का, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जब विलयन की बात करें या विलय और विलायक की बात नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें ए भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बाद में बात करूंगा उसके बारे में। चलिए अब जो महत्वपूर्ण शब्द है उस पर ध्यान देना है, वो है मोल। मैं अब समझाता हूं बेटा आपको मोल, मोल को दर्शाने के लिए स्मॉल एन का प्रयोग करेंगे, स्मॉल n, m नहीं है ना, वो n है, ऐसे लिखूंगा, एच जैसा दिखेगा तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है, n, स्मॉल n है। कुछ भी नहीं जानते हो ना, मैं बहुत बड़ी बात, बहुत सारा उलझाना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि ज्यादा सोच से ज्यादा बातों से उलझते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं उलझो, उसकी जगह पर सुलझो, है ना, यानी आप 11 का डर, 11 का दर्द नहीं पढ़े, नहीं, कई कारण हो सकते हैं कि 11 में इसलिए नहीं पढ़े कि मन नहीं किया, 11 चूंकि वो बोर्ड नहीं है इसलिए नहीं पढ़े, इसलिए मन, ये बात हो गई। थर्ड ये होता है यार, ज्यादा पढ़ पढ़ के बोर हो गए थे तो 11 छोड़ देते ना, 12th में पढ़ेंगे, कई तरह की बातें आती हैं, सिर्फ इतनी बातें नहीं आता है। थर्ड ये भी होता है, स्कूल में ही 11 नहीं पढ़ाते हैं कि यार 11th का बोर्ड नहीं है तो टीचर लोग भी बंक मारते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो उन सारी कहानियों को हम भूल जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। अब 12th में जब आ गए हो तो 11th के दर्द को फिर से ले आओगे यार, बेकार है, 11th के दर्द को छोड़ दो, सिर्फ छोटी सी बात पकड़ लो, वो ये है, वो ये है, मोल है n इज इक्वल टू w बाई m। क्या इतना याद रख सकते हो? अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
बस इतना ही याद रखना है आपको, ट्वेल्थ में बस इतना ही याद रखना है, इलेवन में इतनी सारी चीज पढ़े उसका भी अर्थ है, उतनी पढ़ाऊंगा मैं आपको जरूरत पड़ती जाएगी तो, मोल का पूरी गहराई बताऊंगा अगर मेरे साथ रहते हो तो। मुझे पता है मैंने पहले दिन क्या पढ़ाया, दूसरे दिन क्या पढ़ाया, तीसरे दिन क्या पढ़ाया, कैसे मैं आपको ऊपर उठाऊंगा, कैसे आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, पूरा पता है मुझे। ऐसा नहीं है कि आप को बताऊं बताऊं पढ़ाऊं पढ़ाऊं समझाओ समझाओ आप डर के मारे और पागल हो जाओ, ऐसा नहीं। मेरा काम है इतना बताऊंगा आपकी समझ सुपर हो जाए, आपकी सोच बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो बस चलते चलिए इतना याद कर रहा है। कितने बच्चों, कई बच्चे लिख भी रहे मुझे याद है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि पहले दिन आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो मैं आप सबको बोलूंगा, मैं देखते रहता हूँ बेटा आपका चैट, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप पहले दिन आए हो तो ये लेक्चर नंबर 3 है नए साल का, तो 1 और 2 को भी देख लेना, और ये 3 भी अगर आप आज देख रहे हो तो 3 तो कंटिन्यू रखो, लेकिन एक बार 1, 2 और 3 को दोबारा एक रिविजन कर लेना, सुपर समझ में आएगा 12th। मैं तो बोल दिया ना आपका 95+ करके ही दूंगा, और तुम नंबर में बोल रहा हो तब नहीं, तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री को सुपर करके दूंगा, बोलूंगा ज्ञान के लेवल में सुपर करके दूंगा, और मार्क्स के लेवल में 95+ ही करके दूंगा आपको। बस मेरे साथ अभी से अंत तक प्रतिज्ञा कर लो, प्रण ले लो, कसम खा लो कि हम रहेंगे, बस ठीक है, इतना याद हो गया मोल, अब इसी मोल का खेल खेलेंगे। फिलहाल मोल अब बोलेंगे सर एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, ये तो जानते हो यार, अभी बताया एन है मोल, डब्ल्यू है द्रव्यमान और एम है अणुभार, इसलिए तो बताया बेटा आपको। तो क्या क्या है ये, ये मोल है, ये क्या चीज है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान आपके ग्राम में रहेगा ना, ध्यान रखना ग्राम में, किलोग्राम में नहीं रहेगा, तौलोगे तो ग्राम में तौलेंगे, बाई अणुभार, ऐसा। अब इसी जगह पे ध्यान देना, ये चीज, ये फॉर्मूले को आप लिख कैसे सकते हैं, अगर मैं कहता हूं एन बी, यहां पे लिख देता हूं, चलो चलो यहीं पे दिखाते हैं, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी होगा, या एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एम ए होगा। मतलब हमने कहा एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी होगा, इसका उपयोग करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यहां क्या चीज है, यहां पर एन बी जो है वो है विलेय के मोलों की संख्या है, डब्ल्यू बी क्या चीज है, विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान है, और MB क्या चीज है, विलेय का, विलेय की, विलेय, हाँ विलेय का आणविक द्रव्यमान है, अणुभार कह सकते हो, आणविक द्रव्यमान कह सकते हो। अब बच्चा कोई पूछे कि मुझे आणविक द्रव्यमान क्या है, कैसे निकालते, तो मैंने जस्ट पहले वाले क्लास में बताया बेटा, अब बोलोगे हर दिन वही पुरानी क्लास को दोहराते जाओ तो शायद हम साल कभी नहीं निकाल पाएंगे, 95 की जगह 10% में अटक जाएंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, बस ज्यादा दूर नहीं हुए, ज्यादा हम पीछे नहीं हुए हैं, जो बच्चा अभी नया आ रहे हैं उनको बोलूंगा ज्यादा पीछे नहीं, बस थोड़ा सा पीछे जा करके बस करिएगा, एक ही लेक्चर, दो लेक्चर बस पीछे से करके आइएगा आप, ठीक है। तो चलिए बेटा, एजुकेशन या पढ़ाई जो होता है ना, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का होता है। एक दिन में पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता मैं, एक दिन में कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, और एक दिन में कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, एक दिन में कोई मैथ्स नहीं पढ़ा सकता है। तो इसके लिए पूरा एक पूरा सिस्टम है जिसमें रेगुलर चलना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी बच्चे यही भी सोचते हैं कि यार एक वीडियो आया जिसमें लिखा हुआ है, एक मैराथन में लेने वाला हूं इस दिन, और वो 5 घंटे का मैराथन होगा, पूरे 95+ करोगे
उस वीडियो में थंबनेल देख करके आप उस वीडियो को देखते हो 5 घंटा। मैं बोलता हूं 10% का सुधार नहीं आएगा आप में, ऊपर से जो कुछ जानते होगे ना वो भी वॉश हो जाएगा। ऐसे वीडियोस पे मत जाइए, ऐसा वीडियो जो आपको कंप्लीट सिखाने का है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का है, उसमें चलिए, तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलते साहब, बात हो गई। तो कैसे ये इस फॉर्मूले को उसमें लगा सकते, इस फॉर्मूले को ए के लिए लगा सकते, इस फॉर्मूले को बी के लिए लगा सकते, इस फॉर्मूले को सी के लिए लगा सकते हो। ठीक, तो हो गया मोल का फॉर्मूला, सबको याद हो गया, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, बस और कुछ नहीं। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। विलयन में एक बात आता है कि विलयन की सांद्रता, यानी विलयन 1 लीटर पानी में कितना ग्राम विलेय घुला हो, तो या 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितनी द्रव्यमान है, क्या सांद्रता तो कहलाएगी ना। मतलब मेरे पास ये 100 ml पानी है, 100 ml पानी में कितना मैंने विलेय घोले हुए हैं, या 100 ml विलयन है उसमें विलेय कितना है, विलायक कितना है, ये जो है निश्चित एक सांद्रता होती है। हो सकता है जल में 100 ml में 5 ग्राम नमक घुला हुआ है, उसकी सांद्रता एक ऐसे 100 ml विलयन में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो बताओ 5 ग्राम वाला विलयन में कम नमक है और जबकि 10 ग्राम वाले में ज्यादा नमक है, यानी कम नमक वाला थोड़ा कम नमकीन होगा और ज्यादा नमक वाला थोड़ा ज्यादा नमकीन होगा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रताएं अलग अलग हो सकती हैं, जो कि आप जानते हो शक्कर शरबत बनाते हो, कुछ बनाते होगे तो इस टाइम ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ इकाइयां हैं, उन इकाइयों का नाम पहले बता देता हूं और उनके अर्थ मैं थोड़ी देर में बताता हूं। नाम, ये कुछ नाम है, प्रतिशत द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। नॉर्मलता भी बता देता हूं, जिसमें ये लास्ट के ये जो दिया गया ना यहां तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं मोलरता पढ़ाऊंगा, फिर मोललता पढ़ाऊंगा, फिर मोल अंश पढ़ाऊंगा, फिर आगे चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं मोलरता की तरफ चलता हूं आपके लिए। मोलरता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल एम से दर्शाते हैं, मोलारिटी को भी कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। मोलरता क्या होता है इसको जरा समझेंगे। देखें, एक जार में समझो इसको, एक विलयन भरा हुआ है, विलयन का आयतन जो है, ये विलयन का जो आयतन है 1 लीटर है, 1 लीटर विलयन है, या मैं 1 लीटर को क्या कह सकता हूं, 1000 ml विलयन है। 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन बी में दर्शाते हैं। घुले हुए विलेय की मोल कितना, विलेय 1 लीटर विलयन में कितना विलेय की मोल घुला हुआ है। अब मोल का मतलब मैंने बताया ना एक चीज, डब्ल्यू बाई एम, ठीक, इतना ही याद रखना। तो हम यहां पर द्रव्यमान में नहीं बोल रहे कि 5 ग्राम 6 ग्राम खुला, ये नहीं बोल रहे, उसके मोल कितना खुला है बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर पीछे चलता हूं थोड़ा सा तो यहां पर समझेंगे मेरी बात। देखिए, ये मैं मोल समझाया, तो मैं कहता हूं चलिए देखो, समझे मेरी बात, एक प्रश्न की तरफ चलता हूं तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रश्न देखो, प्रश्न है कि 80 ग्राम NaOH की मोल ज्ञात कीजिए
मोल या मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हो कि संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न है, उत्तर क्या, इसको हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? तो बेटा दिया क्या दिया है, यह पदार्थ है NaOH, NaOH है। NaOH का अणुभार आपको ज्ञात करना पड़ेगा, अणुभार, क्योंकि मोल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू W बाई M। इस फॉर्मूले में चेक करो तो क्या दिया है, 80 ग्राम दिया है, 80 ग्राम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान D, ये है W, द्रव्यमान है, कितना दिया है 80 ग्राम। और अणुभार निकालना कैसे निकालोगे बेटा, आपको बताया था सोडियम का परमाणु भार कितना 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कल याद कराया था आपको याद होगा, और ऑक्सीजन का हो गया और हाइड्रोजन का एक, तो टोटल हो गया 40। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो तो आपको क्या मिला, अणुभार को किससे दर्शाते हो, कैपिटल एम से दर्शाते हो। तो बताओ इस फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू है 80 ग्राम, 80 ग्राम और एम अणुभार है 40, तो इसका मतलब है 2। तो मोल की संख्या ऐसे निकाली जाती है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतने ही मोलों की संख्या होगी। तो मोल की संख्या का फॉर्मूला मैंने जो एक बताया उसी को पकड़ कर रखिए, पूरी 12th भर ये काम आने वाला, कठिन कुछ नहीं है, बस डर के मारे कठिनाई कठिन कर दिए वो सब, है ना, कठिन मत कुछ नहीं करना। अब मैंने कहा मोलरता किसे कहते हैं, अब आपने देखा कि मोलरता के लिए हमें किस बात की जरूरत है कि विलयन कितना है और कितना विले मोल घुला हुआ। यहां पर 40 ग्राम 80 ग्राम NaOH जो था 2 मोल था, आपको पता चला ना, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना रहता है। चलो फिलहाल आप इस पर बात करते हैं, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो बोलेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। परिभाषा में आपके सामने लिख दिया हूं, ये लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे अब याद करना है, या तो आप याद करो या फिर समझो, दोनों काम। समझने के लिए मैंने चित्र बनाया और याद रखने के लिए भी लाइन बता दिया, तो ऐसे लिखना है। तो अर्थात क्या हुआ, फॉर्मूला लिख देते हैं, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात अच्छा इसे हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, अर्थात मोलरता इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, आप 12th है, हाँ, मोलरता कैपिटल एम से दर्शाते हैं इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय का मोल लिख देता हूं सीधा सीधा सिंपल, विलेय का मोल को किससे दर्शाते हो, एन बी बाई विलयन का आयतन, ये लीजिए आयतन को वी से दर्शाते हैं, आयतन विलयन का आयतन, और आयतन किस में है, लीटर में, ये लीजिए। हम इसको चूंकि आप एक चीज और जानते हैं बेटा, एम बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, हाँ, तो हम यहां पर फॉर्मूले में लिख देंगे एम इज इक्वल टू एन बी, नहीं एन बी का मान तो हम रख रहे हैं, एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, बाई एम बी हो गया, इंटू वी, वी लीटर में है, इसको ml में करूंगा बेटा तो ml को 1000 से भाग देंगे तब लीटर बनता है, तो ये 1000 हो गया। तो फॉर्मूला ये याद रख लीजिएगा जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा मोलरता वाला, एग्जाम में पूछते हैं मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, एग्जाम में आते ही हैं, तो ये आपके लिए आसान हो गया। चलते थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अभी रुकूंगा नहीं क्योंकि आज मैं ज्यादा, इसलिए मैं आपके चेक पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपसे ज्यादा बात करूंगा, ठीक है आज, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए, अब मोलरता तो हो गया, मोललता क्या है, अगला शब्द है मोललता। मोललता को हम मोलालिटी से दर्शाते हैं, मोलालिटी बोलते हैं इंग्लिश में, मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। यहां पर कुछ बातों को समझेंगे, फिर वही थोड़ा सा जो मैंने बताया था ना,
की विलायक 1 kg या 1000 ग्राम, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ये ध्यान रखिएगा। 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में, वहां पर क्या था? 1 लीटर विलयन में था। ये क्या था? 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है, विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं? तो यहां द्रव्यमान नहीं है, विलेय का मोल है। विलेय के मोल को NB से दर्शाते हो और विलायक के द्रव्यमान को WA से दर्शाते हो, विलायक का द्रव्यमान। इतने ग्राम है, ग्राम द्रव्यमान हुआ ना, तो ये मैंने इसको आयतन को छुप ऐसे लिख दिया सिंपल। तो परिभाषाओं की तरफ चलते, तो यहां पर बोले 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो हम लिखें इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं बेटा, मैंने जैसे कि बताया थोड़ी देर में पहले, स्मॉल m, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय की मोलों की संख्या विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल n b और प्रति एक, एक बटा करना मतलब प्रति होता है, एक होता है विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए आप w और किसका? विलायक का WA। तो सीधा सा मतलब हुआ n, m इज इक्वल टू n, NB का मतलब क्या होता है बेटा? WB by MB इंटू ये WA। किलोग्राम में है WA, लेकिन मैं अगर ग्राम में करूंगा तो क्या हो जाएगा? ग्राम में, तो यहां पर 1000 से गुणा हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना है बच्चों, ध्यान रखना बेटा, फॉर्मूला याद रखना है। दर्द जितने फायदे उतने, थोड़ा दर्द अगर हो भी रहा होगा तो महसूस करें कि दर्द नहीं है, दर्द को एहसास करें मजे का, तो फिर दर्द खत्म हो जाएगा। फिलहाल ध्यान रखें ये दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मोलरता मोललता, तो ये आप नोट करेंगे। अब चलते हैं, ठीक है, मोलरता में बस देखो दोनों में अंतर क्या है, मोलरता मोललता में, इसमें 1 लीटर विलयन में है और इसमें 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ये यहां से वही है ना बेटा, उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अगर दोनों में अंतर की बात करूं तो क्या होगा, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं थोड़ी देर में, पहले हम बात करते हैं इनके बारे में। अगला है मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। और मोल फ्रैक्शन को दर्शाते हैं एक्स से, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी होता है, x का मान 1 होता है, या यूं कहें x प्लस एक्स बी का मान भी 1 होता है, कुछ भी कह सकते हो, x बराबर 1 होगा या x a प्लस एक्स बी। तो आप यहां पर क्या समझ सकते हैं, x क्या है? x है विलयन का मोल प्रभाज, कॉपी में लिखो बेटा, एक्स ए क्या है बताओ और एक्स बी क्या है बताओ जल्दी से। ए और बी लिखा है मतलब, ए मतलब विलायक, विलायक का मोल प्रभाज
और ये क्या हुआ, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, यह टेक्निक है। समझना है आपको ये विलायक का मूल प्रभाज क्या होता है, विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है। विलायक का मिले घटक है, तो किसी घटक का मूल प्रभाज उनके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। जैसे मैं कहता हूं एक्स बी इज इक्वल्स टू बी के मोलों की संख्या बटा कुल मोल एन ए प्लस एन बी, ये कुल मोल हो गया क्योंकि उसमें घटक ए भी घटक बी है उनको, तो इस तरह कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, घटक बी का मूल प्रभाज बी के मोलों की संख्या तथा विलयन के मूलों की संख्या का योगफल होता है, या उसके घटकों की मूल, तो इसे कैसे बोलेंगे, किसी घटक का मूल प्रभाज उनके मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या का अनुपात होता है, यही लिखा है परिभाषा में। तो इसी तरह से एक्स बी बराबर क्या होगा, घटक बी का मूल प्रभाज, सॉरी बी के लिए तो हो गया, ए के लिए, ए के लिए क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि घटक एक एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई सिग्मा एन भी लिख सकते हैं, बहुत जगह भी लिखा भी देखते हैं। तो ये पूरे कुल विलयन में मूल जितने हैं उतने का होता है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा, काम चलाना और उसको सही तरह समझना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ में आती बातें, ठीक है, इतना करना है आपको। तो जो जो चीजें मैंने बताया बेटा एक बार आप हल्का सा प्रैक्टिस कर लेना, और उसके लिए मैं फिगर वाइज भी समझाने की कोशिश कर दिया हूं, तो उसका पूरा उपयोग करना। अब मैं बात करूंगा एक प्रश्न को, चलो हल करते हैं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के नाम से बच्चे भागते हैं, पर आपको नहीं भागना है, आपको न्यूमेरिकल में रुकना है, न्यूमेरिकल को सीख के जाना है। चलो देखते हैं, बात करते हैं क्या लिखा है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं, फिर हल करते हैं। तो चलिए देखें, 5 ग्राम NaOH विलयन में, 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 500 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब विलयन को थोड़ा समझो क्या क्या दिया है, चलो हल करते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है 5 ग्राम NaOH। तो विलेय कौन है, विलेय को हम B से दर्शाते हैं, और विलेय हमारे पास क्या है, NaOH, 5 ग्राम NaOH घुला है, 5 ग्राम घुला है। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को किससे दर्शाते बेटा, द्रव्यमान को W से दर्शाते, विलेय है B, तो WB, तो कितना है 5 ग्राम, चलिए 5 ग्राम। अब फिर लिखा है 500 ml विलयन में की मोलरता, 500 ml विलयन, तो विलयन का आयतन भी दिया है, विलयन का आयतन V से दर्शाते हैं 500 ml, ले लीजिए। ज्ञात करना है मोलरता, क्या ज्ञात करना है, मोलरता कैपिटल M से दर्शाते हैं ये। अब बस कुछ नहीं करना है, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, अभी तो हमने मोलरता का फॉर्मूला पढ़े बेटा, ये देखो M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी, पढ़े ना, याद हो गया, याद करना है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ याद तो मैं बड़ा होशियार हूं या मुझसे याद नहीं हुआ, तुम ऐसा कुछ नहीं यार। हम एक जमाना था जो बच्चे बड़े भोले रहते थे, यानी उसको हम बड़ा भोला है बोलते थे, भोला मतलब आज के डेट में कोई बच्चा भोला है मतलब गधा है, यही बोलते हैं ना, थोड़ा ध्यान रखना, दुनिया थोड़ी चेंज हो रही बेटा सोचने में, किसी बच्चे को भोला बोल दो आज बच्चा गुस्सा कर जाएगा, लेकिन एक जमाने में बच्चे को भोला कहते थे ना तो बड़ी खुशियां मिलती थी लोगों को, मेरा बेटा बहुत भोला भाला है कुछ नहीं जानता है, बड़ी खुशी मिलती थी, लेकिन अब वो गधा है, ठीक है। तो अपने आप को भोला नहीं बनाना है, होशियार बनाना है। चलिए सूत्र क्या है हमारे पास, मोलरता इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी
इंटू डब्ल्यू सॉरी इंटू वी एमएल में। अब बताओ क्या क्या दिया है। W दिया है, मान रखेंगे M तो कैलकुलेट करना है, W दिया है कितना दिया है W 5 इंटू 1000। एम बी कहीं पर नहीं दिया, V दिया है। एम बी कैसे क्यों देगा भाई, एम बी विले के बारे में बता दिया कि भाई NaOH है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो आप कैलकुलेट करिए। चलिए हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू Na का 23 परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बराबर 40, तो ये 40 आएगा। अब मान रखते हैं M इज इक्वल टू डब्ल्यू वी 5, ये 1000 और ये 40 इंटू 500, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया, मिला कितना M इज इक्वल टू 1/4, 1/4 मतलब 0.25 मोल पर लीटर, या ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते 0.25 मोलर था आंसर। तो बच्चों इसी तरह से आज से आपकी शुरुआत हो जाती है थोड़े और भी रूपों में, यानी न्यूमेरिकल भी बनाने आ सकता है। अब जितने भी पढ़े हो, जितनी भी चीजें आपको समझ में आई हैं, उसमें थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम चलता है, थोड़ा ज्यादा भी चलता है, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो भी नया चीज आपको देखने को मिला, हो सकता है कोई नई चीज देखने पर आपको थोड़ी तकलीफ होती हो, लेकिन इस क्लास को 2 से 3 बार करो, बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इस साल का रिजल्ट किसी भी हाल में 75+ देने की कोशिश करूंगा। ऐसा बच्चा जो जिंदगी में पढ़ाई करता है, आज कल भूल जाता, आज पढ़ता कल भूल जाता, या आज ही नहीं समझ में आता कल क्या करेगा, इंटरेस्ट नहीं है, उन सारे बच्चों को कहूंगा मेरे लेक्चर के साथ जोड़िए, लेक्चर 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जाइए 2025 के एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। मेरी क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिएगा बेटा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, मेरे क्लास सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, उनको कहिए कि ये साल आपका विक्रम सर बना देगा बेहतरीन। विश्वास करो इस साल तो मैं एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दे रहा हूँ आपको, विज्ञापन भी नहीं दे रहा हूँ, है ना, इस साल कोई कोर्स भी नहीं दे रहा हूँ आपके, सीधा 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 यूट्यूब पे बेहतरीन कोर्स आ जाइए बच्चों, बिल्कुल कोई मजाक नहीं है पढ़ाई। हाँ, क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, थोड़ी देर इसे नोट करिए, 400 पेज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और वो कॉपी जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक कोई मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। कॉपी लीजिए, 100 रुपये खर्चा करिए और लिखिए और पढ़िए और रिवीजन करिए, 50-60 रुपये में रफ कॉपी मिल जाती है, उसमें आप रफ करते रहिए 50 बार करिए, एक क्लास को 2-2, 3-3 बार आप करिए, 99% चांस है कि 99% आपको मिलेगा। केमिस्ट्री तो आपको हराएगा नहीं, केमिस्ट्री आपको रुलाएगा नहीं, तो बच्चों करो बेहतरीन। तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात आप सुन रहे होंगे, मैं आपका चैट देखने के लिए चला गया था उधर, तो आप सुन रहे होंगे, तो मेरी बातें सुनिए और करिए क्लास बेहतरीन। तो बच्चा आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, हर चीज़ को कॉपी में लिखना ना, धन्यवाद।